हाय एवरीवन। तो शादियों में मिलने वाली ये खस्ता कचौरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। बहुत इजी मेथड बताऊंगी इसे बनाने का। सबसे पहले तो मैंने मैदा ले लिया है, हाफ के जी से थोड़ा सा कम है। उसके बाद मैंने मंगरेला लिया है। तो मंगरेला और अजवाइन जब भी आप डालें ना किसी भी चीज़ में, तो हाथों से रगड़ के डालिएगा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छे से निखर के आती है। उसके बाद आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। उसके बाद मोइन के लिए तेल डालना है। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और आपको लग होगा कि तेल की मात्रा ज्यादा है, तो मोइन के लिए इतना ही चाहिए। खस्ता भी किसी भी चीज को आपको खस्ता बनाना है, और अगर आप कई बार ट्राई कर चुके हैं नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सा तेल की मात्रा मोइन के समय बढ़ा के देखिएगा। उसके बाद ही ना बहुत ज्यादा आसानी से बहुत परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होगा, एकदम क्रिस्पी। मोइन को परफेक्ट चेक करने के लिए आप मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर वो इकट्ठा हो रहा है मतलब इट्स परफेक्ट। और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ पानी ज्यादा नहीं डालना है। धीरे धीरे पानी डालते हुए आपको एकदम सख्त सा डो लगाना है, एकदम सख्त कि आप हाथ से टच करो तो आपसे जल्दी वो टच मतलब बेलते टाइम आपको समझ में आ जाएगा, मैं आगे आपको बता रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ, आप सब देख सकते हो। ऐसे ही आपको भी गूंथना है, एक ही बार में सारा पानी मत डालिएगा, धीरे धीरे करके और नीट करते जाइएगा। जितना आटा हो सके इकट्ठा हो जाए कम पानी में, वैसे ही आपको इस तरीके से गूंथना है इसको। यहाँ पे मैं सारे आटे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट में अगर आपको लगे कि थोड़ी सी पानी की आवश्यकता है तो आप ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से माड़ा है, आप सब देख सकते हो एकदम बिना पानी के ही, और ये अच्छे से बन के हो गया है तैयार। आप चाहो तो इसे 10 मिनट या 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ सकते हो कपड़े से ढक के। गीले कपड़े से नहीं, सिंपल ऐसे प्लेट वगैरह से भी ढक सकते हो, और उसके बाद आप इसे बना सकते हो। आप देख सकते हो कितना सख्त बनाया हुआ है मैंने इसे। और उसके बाद मैंने ना इसको चकले पे ले लिया है और अच्छा सा थोड़ा सा मला है इसको, थोड़ी देर छोड़ा था मैंने 5 मिनट के लिए। और इसे अच्छे से मैंने ना पहले लंबे आकार में कर लिया है, उसके बाद छोटी छोटी लोइयां साथ एक ही साथ निकाल दी है। क्योंकि ना आप ऐसे ना धीरे धीरे एक निकालोगे बेलोगे, एक निकालोगे बेलोगे ना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक ही साथ सारी ना मैंने छोटी छोटी लोइयां निकाल ली हैं, उनमें से एक लोई लेके और अच्छे से रोल करेंगे। इसमें ना आपको सेप का ध्यान नहीं देना होता है, आप चाहो तो इसे गोल भी बेल सकते हो। जब हलवाई लोग बनाते हैं ना, मैंने देखा हुआ था मेरे घर पर बना था, तो वो ना ऐसे हाथ से ही ऐसे चपटा करके डायरेक्ट ना तेल वाली कढ़ाई में डालते जा रहे थे। तो बस इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे तो मैं बेलन का यूज कर रही हूँ, वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है उन लोगों को, तो इस वजह से वो ज़्यादा मतलब बेलन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। और नाश्ते के लिए सब लोग तो तैयार होते हैं कि गरम गरम ही खाना है, तो इस वजह से वो लोग जैसे बनाते हैं मतलब मैंने उनके जैसा कोशिश किया है, लेकिन हाँ जितना हो पाया मैंने पूरा अपना 100% दिया है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा। और उसके बाद जब मैंने इन सभी को बेल लिया है ना, आप सब देख सकते हैं एकदम मोटा मोटा बेला है, पतला नहीं किया है मैंने। और सेब तो मैंने आपको बताया कि सेब का ध्यान नहीं देना होता है क्योंकि इसको तो क्रिस्पी ही होना है, और लास्ट में जाके बहुत अच्छे से टेस्टी बनके तैयार होती है। कढ़ाई में आप ना जब देखा मैंने जब कढ़ाई में पूड़ियों को डाला, तो आपने देखा होगा कि तेल धीरे धीरे बबल्स के रूप में बाहर आ रहा है। तो इसी तरीके से परफेक्ट तेल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम गर्म भी नहीं होना चाहिए। हाँ कम गर्म होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा गर्म होगा तो क्रिस्पी बनने में थोड़ी बहुत दिक्कत करता है। और धीमी आँच पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता दिया है कि धीमी आँच पर ही इसको तलना होता है। यहाँ पे मैंने इसको तेल से बाहर निकाल दिया है, और इसी तरीके से ना जितनी भी मैंने बेल के तैयार की थी वो सबको इसी तरीके से मैंने तला है। सबसे पहले एक साइड से तल लेंगे, जब एक साइड से क्रिस्प हो जाएगा तब दूसरी साइड पर रख देंगे। और आँच ना मीडियम रहना चाहिए जब ना हम इसमें डालते कढ़ाई में पूड़ियों को मतलब कचौड़ी को, तो आँच आप देख सकते हो कितना मैंने धीमा रखा हुआ है, तब जाके बबल्स आने चाहिए। यहाँ पे मैंने सभी को तल लिया और अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है, और सारा मैंने एक ही बार में तैयार कर दिया। मेरे घर पे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आप बताइएगा मेरी YouTube फैमिली कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ था, तो आप ही अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।